हे गाइस, आई एम मोना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो फंक्शन वाला व्लॉग जो कि मैंने बताया था मेरे प्रीवियस व्लॉग में कि मैं कहीं जाने वाली हूँ जिसके मैं कर रही थी पैकिंग। सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ विशाखापट्टनम। मैंने ट्रैवल किया था चेन्नई से विशाखापट्टनम, यहीं पर था वो फंक्शन, मेरी मासी के दोनों बेटे का थर्ड सेरेमनी। अब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नीचे कमेंट कर दीजिएगा आप अगर आपको पता है। सो अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है देन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ आज ये फंक्शन के छोटे छोटे वीडियोस क्लिप्स, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रॉपर ब्लॉग करने का टाइम तो नहीं हो पाया इतने सारे लोगों के बीच, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स थे एंड काफ़ी उन लोगों के साथ बातचीत करने में ही टाइम चला गया था मेरा। एंड माही यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश थी अपनी नाना नानी और अपने दादू के साथ मिलके, क्योंकि वो तीनों भी आए थे फंक्शन में और उसको तो वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं रही थी उस वक्त, और मेरी मम्मी से वो आ ही नहीं रही थी मेरे पास, तो वो सबसे ज़्यादा खुश थी। एंड मेरी मम्मी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी हम सबसे मिलके। एंड काफ़ी टाइम बाद अगर हम घर वालों के साथ मिलते हैं तो उसकी खुशी भी बहुत ही अलग ही होती है। तो प्रॉपर वीडियो तो नहीं हो पाया था लेकिन मैं आपको छोटे छोटे मतलब मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी तो जो कि मैंने लिया था वहाँ पे एंड कुछ वीडियो क्लिप्स। तो अभी वहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया था, ये दोनों बेटों का थर्ड सेरेमनी स्टार्ट हो गया था। अभी उड़ीसा के अगर कोई हैं वो देख रहे तो उनको पता होगा इसके बारे में प्रॉपरली कि क्या है। एंड बहुत सारे लोगों को वैसे पता ही होता है थर्ड सेरेमनी क्या है, और पीछे मेरी नानी बैठी हुई है, मेरी दो मामी बैठी हुई है वहाँ पे। एंड सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई फैमिली गेट टुगेदर हो ताकि हम सब मिल पाए एक दूसरे से, नहीं तो कहाँ हो पाता, इतने दूर दूर बस फ़ोन पर ही बात हो पाता है। और माही मतलब दोपहर से लेके फंक्शन काफ़ी लेट तक चल रहा था एंड माही तो बस घूमे जा रही थी, हर जगह वो घूम रही थी मेरे कजन्स के साथ सबके साथ, मासी मासी सब छोटे हैं लेकिन उससे सबको मासी मासी करके सब उसको गोदी करके घूम रहे थे वहाँ पे। करते हो करेगा और कैसा लगता है वीडियो? अच्छा लगता है। अच्छा, और फोन में बात करने के लिए भी अच्छा लगता है। और क्या और कुछ? तुम कितना अच्छा लगता है। मैं कैसा लगता हूँ? लगता है मुन्ना सब बहुत अच्छा। शेयर करते हो? शेयर करती हूँ, लाइक करती हूँ और बहुत देखने से भी देखने दिल करता है बार। मैंने बिल्कुल पैसा नहीं दिया ये सब बोलने के लिए। मैं और मम्मी यहाँ पे बात कर रहे थे, ये मेरी छोटी मामा की बेटी है और वो भी मेरी चैनल देखती है। मुझे हमेशा बोलेगी कि मैं आपकी ये वीडियो देखी वो वीडियो देखी। सो हम लोग कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा है क्या, पर लगे पड़े थे बात करने में हम तीनों, कुछ तो डिस्कस कर ही रहे थे हम तीनों और वो भी बड़ी ज़ोर शोर से बोल रहे थे कुछ कुछ। तो ऐसे ही सब लोगों के साथ बातें करते करते कब वो दो दिन निकल गए पता ही नहीं चला।
बोल रहे थे, आप मेरी वीडियो देखते हो? हाँ। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मेरा दोस्त जितना है ना, शेयर करता हूँ। सबसे पहले मेरे वीडियो देख के क्या लगा था आपको? मैं थोड़ा आश्चर्य हो गया, शुरू किया ये थोड़ा मजाक मजाक क्या होगा, लेकिन बाद में मुझे तुम्हारा सीरियसनेस फील हुआ। अब क्या लगता है आगे कहाँ तक जाएगा? बहुत देर तक। मस्त अच्छी।
सुंदर बैठा मो गल फोटो तो फोटो भल देखा मो फोटो भल आस मो गाल पशि सो उससे इसे ज्यादा और कुछ व्लॉग में नहीं बना पाई क्योंकि कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला, लेकिन मैं यहाँ पर फोटो सबके लिए ऐड कर रही हूँ। और ये है मेरे कजन्स माही, देखो हर कोई भी फोटो लेने से पहले ना वो अपनी शक्ल बिगाड़ के रखेगी फोटो के टाइम पे। सो वही थोड़े बहुत फोटोस लिए हैं, वही मैं यहाँ पे आपके लिए ऐड कर रही हूँ। सो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। नाउ बाय, टेक केयर।